बंधुओं, बात कुछ ऐसा है, मारासिली पहाड़। अब इसका मारासिली नाम क्यों पड़ा? हेलो बंधुओं, जय शिव शंभू। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित कर ब्लॉग्स। चलिए चलते हैं एक छोटी सी राइड करके। क्या है क्या नहीं है वो आपको अपनी बाइक पे बताता हूँ, तो चलिए मेरे साथ। तो ये हम अब चले, ये है कुछ ऐसा हमारा घर, हमारा गांव। पता नहीं आवाज़ थोड़ा सा हो सकता है कि विंड नॉइस आए, तो चलते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं आज हम लोग? जा रहे हैं मारासिली पहाड़, जो हमारे घर से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलते हैं वहाँ और देखते हैं कैसा है। मैं काफ़ी छोटा था उस समय, गया था उस समय, हम लोग पैदल ही वहाँ तक गए थे घूमते घूमते। आज हम जाएंगे बाइक से और देखेंगे कैसा है मारासिली पहाड़, जो शिवलोक धाम भी कहा जाता है, जिसको शिव मंदिर है। क्या क्या है, कैसा कैसा है वो आपको और दिखाते हैं। बने रहिए वीडियो पे। पेट्रोल ले लेते हैं, पेट्रोल कम है, चलते हैं पेट्रोल पंप पे। ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा ही लेंगे, क्योंकि अपने में ब्लू बीस्ट को ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, उसमें रख के ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता। तो लेते हैं थोड़ा तेल, मतलब कि पेट्रोल, और चलते हैं यहाँ से। हमने ले लिया पेट्रोल, और पेट्रोल का क्या रेट भागा है भाई, 108-109 रुपये पेट्रोल हो गया है, और 200 रुपये पेट्रोल 200 का लिया, 1.84 लीटर, क्या हालत हो गया। चलिए जो होगा, 500 रुपये भी लीटर हो जाए तो भरवाना तो पड़ेगा ही भाई। चलिए आगे और चलते हैं। देखो भाई, रांची में सरला बिरला यूनिवर्सिटी जो है वो यही है, काफ़ी फेमस है। सामने से दिखाता हूँ अगर फ्रेम में आया तो। ये है सरला बिरला यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कोर्स यहाँ पर होते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, इधर से वाइट वाली कार आ रही है और जिस पे अभी हम लोग जाने वाले हैं, ये रांची शहर का रिंग रोड है। रिंग रोड का मतलब समझ ही गए होंगे, रिंग बोले तो छल्ला, बोले तो गोल, शेट बोल शेट यार, पूरा बालू बालू हो गया भाई एक झटके में। तो चलते हैं। ये रिंग रोड जो है पूरे शहर को, पूरे रांची शहर को एक चक्कर में वो चारों तरफ से गोल घुमा हुआ है, जिससे फ़ायदा ये होता है, किसी को कहीं जाना रहता है वो सीधे इस रोड पे चले और जहाँ जाना है वहाँ पे चले जाए। चलते हैं अब मारासिली की ओर, और बड़ा कंफ्यूजन होता है ऐसे रास्ते पे, तब लगता है आगे है बस वो वाला है वो वाला है, उस चक्कर में कंफ्यूजन हो जाता है। तो थोड़ा ऑफ राइड का भी मज़ा लेते हैं, और मुझे 100% पता है ये इसका परमानेंट रोड तो नहीं है, मतलब किसी तरह से आदमी जा रहा है इसमें से, लेकिन परमानेंट रोड तो ये नहीं है।
चलिए रोड तो है, चलते हैं किसी तरह से, तो वहाँ पहुँच ही जाएंगे ऐसा लगता है मुझे। गूगल भी बता रहा है लेकिन गूगल का भरोसा नहीं है ना, कभी 6 किलोमीटर लिखता है, कभी 3 किलोमीटर लिखता है। लेकिन ये गूगल में ये बड़ा एक फ़ायदा है, वो पहुँचा ज़रूर देता है, मतलब आप किसी भी परिस्थिति में हो आपको निकाल ज़रूर देता है वो। तो ये छोटा सा गांव है, गांव का नाम है राजा उलातू और उसी का पार्ट है उसी गांव का। बाकी चलिए नज़दीक पहुंचते हैं तो बात करते हैं। अब हम लोग मात्र आधे घंटे में पहुंच गए मार्शली पहाड़। और ये देखिए दूर से दिखेगा पहाड़, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, देखिए दिख ही रहा होगा। तो नज़दीक चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। एक्चुअली यहाँ हम लोग काफ़ी आज से करीब 20 साल पहले पैदल आया करते थे, तो आया करते थे क्या, एक बार ही आया हूँ और आज बाइक से आए हैं। और उस समय जंगल के रास्ते आया था दूसरे जगह से। चलिए नज़दीक चलते हैं, छोटा सा तालाब है इधर बना हुआ। और भूमाफियाओं ने पहाड़ को भी नहीं छोड़ा है। चलिए खैर, ये देखिए ये तो भाई एकदम, और एक बढ़िया सा तालाब इधर भी है, यहाँ भी लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग गलत साइड पे आ गए क्या? ओ रोड है, कन्फ्यूजन हो गया था भाई, लगा कि गलत जगह आ गए। ऐसे इसका और कोई भी साइड होगा ज़रूर। ओहो बड़ा बढ़िया नज़ारा है भाई इधर से, अभी एहसास हो रहा है जंगल के बीच में आ गए। हाँ बढ़िया है गुरु। हाँ जैसे सबसे ऊपर जाएंगे तो और ज़बरदस्त व्यू हो जाएगा। इसको मैं बिल्कुल रॉ डालूंगा इस वीडियो का, पर्टिकुलर इस क्लिप को, जिस तरह से चढ़ रहा हूँ क्योंकि मज़ा आ रहा है। ओ ऊपर किससे जाएंगे, कहाँ इधर, ये तो यही वाला ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। देखा ना मैं बोला ना इधर से एक और रास्ता है, समझ गए, यही रास्ता ऊपर है। हाँ हाँ यही है, यही है, यही रास्ता है। तो ये ऊपर तक जाता है क्योंकि भाई वो बंदा जो है वो ऊपर तक बाइक लेके गया है। तो अब मैं चलाऊंगा और पैदल जाओगे लेकिन मेरा वीडियो क्लिप लोगे, ये ले लो कैमरा। तो मिलते हैं। अब ये देखो भाइयों, हमारे रोहित भाई माउंटेन बाइकिंग का मजा लेते हुए
बहुत मजा आया, इतना पावर है ना, मजा तो मुझे आ रहा है। चलो वीडियो कट करते हैं। बहुत मजेदार लगा भाई, और एकदम कंटिन्यू, एकदम हाई स्टीप है लगातार ना, तो खींचने में और भी जैसे ये सब जगहों पे। और ये आज ब्लू बीस्ट का मतलब एक्चुअल मुझे पावर एहसास हुआ, बिना स्ट्रेस के आराम से चढ़ा गया, आराम से चलता चला गया, आराम से चढ़ गया, बहुत मज़ा आया। चलिए कैसा है क्या है, अब चलिए चलते हैं और देखते हैं, दिखाते हैं और बाइक कहीं लगाते हैं। आ गए ऊपर। बेसिकली क्या है, एक बहुत बड़ा चट्टान, बहुत ही बड़ा चट्टान है और जिसके ऊपर मंदिर बना हुआ है। और पहले आप नज़ारा देख लीजिए, एकदम पहाड़ है, काफ़ी हाई पे हैं हम लोग। ये इधर पूरा घना जंगल है, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। और ये उधर देख रहे हैं, इधर ही हम लोग रहते हैं, हमारा घर इधर ही है। तो हम इसके जंगल के बीच बीच से होते हुए आज से 20 साल पहले यहाँ आए थे, और हम दोनों ही आए थे, और आज फिर दोबारा हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो इधर से और दिखा देता हूँ, ये देखिए बहुत ही सुंदर है, मंदिर भी बहुत अच्छा है। और इसी से पैरेलल एक पैरेलल का इसका ही एक हिस्सा उधर भी है, हम लोग उधर भी वॉक करेंगे, और वहाँ कुंड है, कुंड भी दिखाएंगे। तो चलिए उधर वॉक करते हैं। तो बंधुओं, बात कुछ ऐसा है, मारासिली पहाड़। अब इसका मारासिली नाम क्यों पड़ा, माना जाता है कि पहले वाल्मीकि जी जो थे वो यहाँ पर आके हमारे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का नाम उल्टा लिए थे, मरा 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 मरा। तो मरा और सिली का मतलब जानते हैं, उसका मतलब होता है पहाड़, तो मरा सिली इसलिए इसका नाम पड़ा। और वो जो मुख्य मंदिर देख रहे हैं, हमारी बाइक भी लगी हुई है वहाँ, वो मुख्य मंदिर जो है, माना जाता है कि ब्रह्मा ने स्वयं इसको बनाया था। और किस दिन बनाया था, जब जगन्नाथपुरी मंदिर जो है पुरी में है, उसको और इसको सेम डे सेम नाइट में ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की थी। पूरा डीप नहीं पता, जो मोटा मोटी पता है वो बता रहा हूँ। तो इसीलिए ये काफ़ी फेमस है और बहुत बड़ा चट्टान है, मतलब इवन हम लोग थक गए चलते चलते, अभी अब सोच रहे हैं बाइक से पूरे पहाड़ का एक बार राउंड लेंगे। और तीसरा, यहाँ पे अलग अलग आकृतियों का निशान बना हुआ, जैसे कहीं आईज जैसा बना हुआ है, फिर कहीं शिवलिंग के आकार का गड्ढा है, और एक है जिसमें कभी पानी नहीं सूखता है, कहा जाता है उसमें रस्सी आप डालते जाओ वो कभी एंड ही नहीं होता है, जहाँ डालते जाओ गहराई नहीं पता चलता है, और वहाँ कभी पानी नहीं सूखता है। अब छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूँ, इतनी गर्मी है और पहाड़ के इतने ऊपर हैं, ये छोटा सा गड्ढा है लेकिन इसमें देखिए पानी है, तो है ना थोड़ा सा वैसा वाला मामला। तो अभी मेन जो है छोटा सा तालाब जो कुंड है वहाँ भी चलेंगे और बाकी दिखाएंगे। तो चलिए बाइक निकालते हैं और राउंड करते हैं। तो चलिए मेरे साथ एक पहाड़ पर खूबसूरत सी राइड करते हैं, छोटा लद्दाख वाला मज़ा लेते हैं। तो मेन लद्दाख तो जा ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं कब जाऊँगा। तो ये इस पे बाइक चलाने का मज़ा ले ही लेता हूँ ब्रो। पहले तो लेके चलते हैं वो बड़ा सा कुंड जिसमें पानी कभी सूखता नहीं, तो ये देख रहे हैं छोटे छोटे गड्ढे, देख रहे हैं
ऐसा है कभी पानी सूखता ही नहीं है, और वाकई मेरे लिए थोड़ा आश्चर्य तो है, पानी सूखता ही नहीं है। और देखिए हम पहाड़ी से कितने ऊपर हैं, एक है और चलते हैं आगे और कुछ देखते हैं और डिस्कवर करते हैं और खोज करते हैं। लग रहा है कोई आँख है, आई की आकृति है, आँख बना हुआ है, बहुत सारे हैं यहाँ पे, सब कहते हैं दो है, चार है, छह है, लेकिन यहाँ तो मेरे को दबा के दिख रहा है, इधर देखो उधर कोई आकृति फील हो रहा है, ज़्यादा आश्चर्य नहीं है इन छोटे छोटे गड्ढों को देख के। हाँ लेकिन उसमें जो पानी जमा रह गया है वो तो कमाल है। हाँ और ये है शिवलिंग की आकृति का, शायद वही है, हाँ आई साइड आँख बना हुआ है, इसके अंदर भी कभी पानी सूखता नहीं है, रियली अमेजिंग है। तो प्रणाम करते हैं, आगे और कुछ देखते हैं, पहाड़ी के उस कोने तक चलते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है ना पूरा चारों तरफ, बहुत ही शानदार नज़ारा है, पूरा का पूरा रॉक एक एक सिंगल पीस में है, एक एक पहाड़ सिंगल, कोई जोड़ नहीं है इसको, पत्थल जो है तोड़ा जाता है ना, जो बजरी तोड़ करके एक पहाड़ को गायब कर दिया गया पीछे, वो भी दिखा। चलते हैं इधर से वापस घर के। भाई फुल पैसा वसूल वाला पहाड़ है क्या? अभी तो सीज़न ऑफ है, यहाँ साल में एक बार यहाँ पूजा भी होता है, मेला लगता है, यू नो मतलब मेला जो होता है ना गांव का मेला, लड्डू मावा बिकता है, उस टाइप वाला मेला, झूला वगैरह लगा रहता है। फेल होगा तो ब्रेक नहीं लगने वाला है डरवा मत रे भाई, ब्रेक फेल हो गया तो ब्रेक नहीं लगेगा ब्रो, इतना बड़ा पहाड़ है, सबसे बड़ी बात सिंगल पीस पहाड़ है, सबसे बड़ी बात है सिंगल पीस है, और ये रियली में ये देखो यहाँ भी पानी का अगर कुंड देखोगे तो ये टेम्परेचर है, और लगता है कि रात को नदी सा बहता हो पानी का, ये सब क्यों करो आप, ये देखो ये पानी का कहाँ से स्रोत आया कहाँ से, तो ये प्रकृति का तेल है भाई, प्रचंड गर्मी है, बारिश का कोई चांस, बारिश का कोई चांस नहीं है, ना ही बारिश हुई है, ये छोटे छोटे जो कुंड है ना ये सूख जाता है, वो लेकिन वो बड़ा वाला नहीं, बड़ा वाला कभी नहीं सूखता है। तिरंगा बलि की जय, ये देखो दबंग
बात ले चुके हैं। देखिए किसी ने पेंटिंग की है और बहुत शानदार। तो बंधुओं वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, एक बार और आप नज़ारा ले लीजिए, बहुत बढ़िया नज़ारा है। तो यही है मारासिली पहाड़। तो होप अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो पता है आपको क्या करना है। और थोड़ा हवा चल रहा था, विंड नॉइस हेलमेट के अंदर भी काफ़ी तेज़ हवा आ रही थी, तो थोड़ा सा वो साउंड एडजस्ट कर लीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंभू।